दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ब्लॉग सॉरी वेबसाइट या कुछ इस तरह का, ये सब मैंने कस्टमाइज़ करके रखा है। जैसे कि ओपन माइंड टेक्निकल ही मेरा चैनल का नाम है, यहाँ पे मैं सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ इसमें डाल के। अब ये बाहर से कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है, अंदर से कैसे मिलता है वो मैं अभी ले जाकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कैसे कैसे इसका वो है, ठीक है। तो मैं बैक करूँगा ना यहाँ पर, तो ये है आपका ब्लॉग, ठीक है। मैंने ये मिनी हाइडन कैमरा डुअल ईयरफोन जो अभी दिखा रहा था, अमेजन मिनी हाइडन कैमरा का सब पोस्ट लाइफ पे रखा हूँ। तीन आदमी इसको देखा है, माई हाइडन कैमरा को, तो मैंने इसको ऐसे ही कैजुअली बना के रखा हूँ। यहाँ पर न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे करता हूँ। व्यू ब्लॉग जब करूँगा ना, तो ये मेरा ये टोटल दिखाएगा जिस तरह से मैंने डाल के रखा है, ठीक। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, कैसे बनेगा वो मैं बताऊँगा आपको। सिंपली दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद मैं रोटेट करता हूँ मोबाइल को डेस्कटॉप की तरह। तो दोस्तों, आपको लिखना है क्रिएट अ ब्लॉग फॉर फ्री ऑन गूगल, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह का आपको ये लोगो मिलेगा, ठीक है। ये है ब्लॉग, इसी लोगो को आपको क्रिएट करना है। तो फिर क्रिएट योर ब्लॉग, इस पर सेकेंड नंबर पर क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, ये खुलेगा तो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, ये कंफर्म है प्रोफाइल, ठीक है, कंफर्म करना। ब्लॉगर प्रोफाइल जो है आपको डालना है, अगर मोबाइल का दुकान है आपका तो सिंपली आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मुन्ना डाल सकते हैं, ठीक है, मोबाइल मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ दोस्तों, इसलिए माई डाल दिया कि अच्छा रहता है। तो एक सेकेंड, ये डिस्प्ले नेम है, इसलिए आप अपना मोबाइल, अपना दुकान, अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। मोबाइल की दुकान है तो मुन्ना, मोबाइल मोबाइल का दुकान का नाम डालिए तो मुन्ना मोबाइल, ठीक है, मुन्ना मोबाइल डाल के आप कंटिन्यू टू व्लॉगिंग करिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नया डिक्ट आएगा, नया आने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ब्लॉग बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे जो जो लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं मेरे दुकान का नाम कुछ इस तरह से थे यहाँ पर मैं डालूँगा, मुन्ना मोबाइल मेरा मोबाइल है तो मैं डालूँगा मुन्ना कुमार, मुन्ना डालूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। कुमार मुन्ना मोबाइल, ठीक है, ऐसा मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, आप अच्छा से डालिए कुमार मुन्ना मोबाइल। और यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है, तो एड्रेस कुछ उसी तरह के से डालिए ना, जो एड्रेस क्या है कि जो आप सर्च करोगे और ये एड्रेस दिखाएगा, जैसे www.blogspot डाल रहा था, बता रहा था, तो यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, स्पेस दीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। कुमार मुन्ना मोबाइल, ठीक है, मुन्ना मोबाइल blogspot.com, ठीक है, तो ये आपको देना होगा। चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, ये अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं रहेगा दोस्तों कुछ और अगर डालते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेगा अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस आप चेंज करिएगा क्योंकि कोई और ले चुका है, इसलिए एड्रेस इज नॉट अवेलेबल लिखेगा, तो ये अवेलेबल है इसलिए आ गया। तो यहाँ पर कुछ चेंज करिए, जैसे कुमार मुन्ना मोबाइल है तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, या फिर कुछ और ही चूज करिए। तो मैं सिंपली नीचे जाऊँगा, ये थीम वगैरह चूज कर सकते हैं आप, जिसमें देखा जाते क्रिएट अ ब्लॉग करूँगा, ठीक है। क्रिएट अ ब्लॉग करने के बाद मेरा एक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम जो है डोमेन खरीदना है, डोमेन नेम्स, डोमेन नेम्स वो होता है जैसे जैसे .com, .in जितना भी है .com या फिर .in, इसको डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ख़रीदना होगा, तो आप फिलहाल फ्री में बना रहे हैं तो आप मत खरीदिए, ठीक है, तो उसके लिए आप नो थैंक्स कर दीजिए। डोमेंस मतलब .in से होता है, तो क्रिएट अ न्यू पोस्ट मतलब कोई पोस्ट नहीं है। अब दोस्तों, ये पोस्ट जो होता है आप जो बनाए हैं वो एक वेबसाइट बनाए हैं, ठीक है, जो सर्च करेंगे तो वो आएगा। अब उसके अंदर अंदर कितना सारा चीज़ लिखे हैं उसको पोस्ट में डालेंगे, ठीक है। तो पोस्ट आपको लिखना है, जैसे अगर मेरा मोबाइल का दुकान है आपका, तो सैमसंग का और जितना भी कैटेगरी होगा, नोकिया वगैरह, वो सब आप न्यू पोस्ट बना कर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली अगर सैमसंग का करना है मेरे को, तो मैं सैमसंग लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सैमसंग लिख दिया, नेम, ठीक है, पोस्ट का नेम रहेगा सैमसंग, ठीक है।
तो सैमसंग लिखने के बाद आपको सिंपली नीचे उसका लिखना है। जैसे मेरे को अब नीचे मेरे को सैमसंग J1 का दिखाना है, बहुत सारा मोबाइल है मेरे पास सैमसंग का, सैमसंग J1, सैमसंग J2, तो यहाँ पर मैं सैमसंग, तो मैं यहाँ पे सैमसंग J1 लिखूँगा, सैमसंग। ये दोस्तों लैपटॉप से लिखने का जो है, ठीक है, तो ये सैमसंग लिखा गया है। अब इसके अंदर जो है स्पेस दे के J1 लिखेंगे, ठीक है, J1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हुआ वो सैमसंग J1 हो गया। अब इसके अंदर जो दिखा है वो फोटो जो दे रहा है, आप फोटो भी कस्टमाइज यहाँ पे लगा सकते हैं, अपना मोबाइल का फ़ोन का फोटो अपलोड कर सकते हैं इसमें। KB में करिएगा क्योंकि रैंक करने में काफ़ी अच्छा, मतलब रैंक करेगा, ठीक है। वीडियो को डालना है तो वीडियो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे जो भी लिखना है सैमसंग का जितना भी कैटेगरी है इसमें डाल सकते हैं, या फिर अपना मोबाइल अपने नाम का कराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने मन से कस्टमाइज कर, लेकिन अगर बिजनेस में लगाना चाहते हैं तो इस तरह नया नया पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये मैं कर दूँगा, यहाँ पर मैं एक सेकंड फ़ोटो भी अपलोड करने को बता दे रहा हूँ कैसे, मतलब फ़ोटो को अपलोड करना है, ठीक है। अगर मैं ये फ़ोटो को करना चाहूँ, हाँ जा, और मान लो मेरे को ये फ़ोटो करना है, अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग होने के बाद ही KB में इतनी जल्दी अपलोड हो गया। इसके बाद मैं इसको एड सेलेक्टेड करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का नेम से आ गया, इसको आप छोटा भी कर लेंगे आपका मर्जी। और उसके नीचे आपको क्या करना है, अगर लिंक वगैरह देना चाहते हैं तो लिंक सिंपली और भी बहुत सारा आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप पब्लिश करना चाहते हैं तो उसको पब्लिश भी कर देंगे, जो आपको दिखाएगा, नहीं तो ड्राफ्ट में रहने दीजिए। तो यहाँ पर मेरे को एक पोस्ट हो गया, अब न्यू पोस्ट बनाना है, तो यहाँ आपको मिलेगा नया पोस्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर जो व्यू वगैरह आता है, मतलब आँख का चिंता कर, इसमें वो व्यू दिखाएगा। देन सिंपली यहाँ पर एक और भी पोस्ट लिखना चाहूँगा तो आपको जाना होगा दोस्तों कहाँ, तो ये पोस्ट जो है इसमें तो अभी तो से यहाँ पे एक और न्यू पोस्ट अगर बनाना है तो ये न्यू पोस्ट में कर दीजिए। और अगर आप नोकिया वगैरह का है और कोई प्रोडक्ट है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास है नोकिया का फ़ोन तो मैं नोकिया डालूँगा, मैं एक ही डालूँगा नोकिया, 2690 का डालता हूँ, सपोज दैट, ठीक है, 2690। तो आपको जो मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं फ़ोटो डालूँगा, तो यहाँ फ़ोटो ऐड करूँगा, तो मैं एक नया करूँगा अपलोड, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रॉम दिस ब्लॉग तो नहीं करना, अपलोड से ही करना है। तो आप यहाँ से सिंपली मैनुअली चूज कर सकते हैं, चूज अ फाइल, ठीक है। चूज अ फाइल में करने के बाद इस फाइल में चले जाइए, और उसके अंदर जाए, अगर मेरे पास कुछ ये वाला फ़ोटो लगाना है, ये आधार कार्ड से आया है, सॉरी व्हाट्सएप का वो है, तो मैं अगर ये करके ये करता हूँ और एड सेलेक्टेड करता हूँ, इस तरह का आपका आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, ठीक है, ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, पब्लिश हो गया मेरे पास, हो गया दो पोस्ट जो इस तरह से है, ठीक है। तो हिंदी सहायता मेरा ब्लॉगर का नाम है, मैंने जो ब्लॉग जो है उसको मैंने चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों कि अब इसको व्यू का ब्लॉग करूँगा, ठीक है। वीडियो ब्लॉग करने के बाद एक मामला वाले है, अब कुछ इस तरह का आपका पोस्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो मेरा एक ये पोस्ट है और दूसरा ये पोस्ट है, तो यहाँ पे कमेंट वगैरह सब भेज सकते हैं। तो सिंपली आपको एक बार मोबाइल के थ्रू करता हूँ, मोबाइल से आपको इस तरह का आपको मिल जाएगा पोस्ट, ठीक है। ये मेरा एक पोस्ट है, अगर इसमें क्लिक करूँगा तो इस तरह से दिखाएगा आपको। और जब आपका ये ब्लॉग मतलब सक्सेसफुली जो हो गया, अगर बन जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है आपको, तो मतलब आपको ये QR कोड जेनरेटर करना होगा, मतलब बनाना होगा QR कोड। QR कोड को स्कैन करने पे ही आपका उसमें आपका लिंक डाल देंगे, और आप अपने जो दुकान है उसके आगे चिपका सकते हैं,
कि कोई व्यक्ति आए और स्कैन करके आपका एड्रेस ले ले तुरंत ही, ठीक है। नाम से मतलब आप डोमेन होस्टिंग वगैरह करना होता है, जो सर्वर लेके आता है लेके जाता है जो मतलब, तो वो अगर नहीं किए हैं, होस्ट नहीं किए हैं, डोमेन नाम भी नहीं खरीदे हैं, मतलब फ्री में चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको गूगल्स मतलब क्या करेगा, रैंक नहीं कराएगा ज़्यादा, मतलब बाय द वे कभी कोई सर्च करने में आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि क्यूआर कोड में कल बताऊंगा कैसे कैसे मतलब क्यूआर कोड बनाना है, या फिर गूगल आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं कि कैसे बनता है, और आप बना के उसमें आप सिंपली उसको लिंक करा दीजिए, ठीक है, और स्कैन करेंगे तो वो आ जाएगा।